हे गाइस, वेलकम बैक टू जया डी की कुकिंग डायरीज। तो चलिए आज हम बनाएंगे चाट, लेकिन थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में, क्योंकि आज हम इसमें आलू का नहीं बल्कि स्वीट पोटैटो का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि हम सबको पता है कि स्वीट पोटैटो हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा अच्छा हेल्दी फूड है, तो आज हम इसी से बनाएंगे स्वीट पोटैटो चाट। तो जब भी आपको कुछ हेल्दी या चटपटा सा या कुछ जल्दी बन जाने वाला ऐसा कुछ खाने का मन करे, तो आप इस स्वीट पोटैटो चाट की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्वीट पोटैटो को थोड़ा पका लेंगे। इसके लिए हमने कुकर में स्वीट पोटैटो को डाला है और इसमें हम थोड़ा पानी डाल के कुकर की एक सीटी ले लेते हैं। तो हमें इसे एक सीटी आने तक ही पकाना है, तो इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। हमने इसे ज़्यादा देर पका लिया तो उससे क्या होगा, ये गल जाएंगे। तो अब एक सीटी हो चुकी है, तो अब इसे कुकर से निकाल के हम इसे छील कर इन्हें छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ हमने पैन में अच्छे से ऑयल लगा लिया और अब हमने जो स्वीट पोटैटो बॉईल करके कट करके रखा था उन्हें इनमें डाल के हल्का सेक लेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा तेल और लगा लेते हैं और इसे इसी तरीके से 2 से 3 मिनट तक सेक लेते हैं, जब तक इसमें हल्की ब्राउन लेयर ना आ जाए तब तक हम इसे सेक लेते हैं। तो अब ये काफी अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम इसे पैन से निकाल लेते हैं और प्लेट में डाल लेते हैं। तो अब हमने स्वीट पोटैटो प्लेट में निकाल लिए हैं। अब हम इसके ऊपर से डालेंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, आपको कितना ज़्यादा चटपटा पसंद है उस हिसाब से आप ग्रीन चटनी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और थोड़े बारीक कटे हुए टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा नमक अपने स्वाद अनुसार। और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। और फिर हमने इसमें थोड़ा जीरा पाउडर डाला और थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे दही। तो दही से जो चाट में टेस्ट आने वाला है ना, उसकी तो बात ही अलग है। तो हमने इसमें दही डाल लिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सेव और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और लास्ट में हम इसमें थोड़े अनार के दाने डालेंगे। तो अब ये चाट खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो हम तो इसके मजे लेने वाले हैं। तो अगर आप भी इस चटपटे चाट को टेस्ट करना चाहते हैं तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।